नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सचिन पायलट को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है और तभी से सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या यही वो फॉर्मूला था जिसकी बात अशोक गहलोत और पायलट के बीच फॉर्मूले को लेकर हो रही थी। कांग्रेस में फैसले लेने वाली ये सबसे बड़ी कमेटी है। आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में इसकी बड़ी भूमिका रहेगी और अगर राजस्थान के लिहाज से भी देखा जाए तो भी पायलट की भूमिका अहम है। सचिन पायलट प्रदेश चुनाव समिति के भी सदस्य हैं जो कि उम्मीदवारों के नामों पर विचार करती है। अगर देखा जाए तो पायलट को डबल जिम्मेदारी मिली है और एक कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि अब पावर भी बड़ी है। अशोक गहलोत को भी पायलट की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि खुद आलाकमान ये मान चुका है कि पायलट की भूमिका पार्टी में अहम है और बिना पायलट चुनावों में नहीं उतरा जा सकता, और इसीलिए पायलट की नाराजगी के वक्त भी उन्हें साधने का पूरा प्रयास हुआ और इसमें कामयाबी भी हाथ लगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि सब भुलाकर आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पायलट को फल तो मिल गया, लेकिन जो बात युवाओं की थी वो अभी भी नहीं हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जाए तो गहलोत का साथ देने के लिए भी पायलट आगे तो आ गए हैं, लेकिन अशोक गहलोत अब भी पायलट से दूरी बना रहे हैं। 19 अगस्त को पीसीसी में हुई बैठक में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट की कुर्सी से दूर ही थे। कहने को तो दोनों साथ थे, लेकिन दूरियां अभी कम नहीं हुई हैं। इस दूरी को दूर करने की कोशिश आलाकमान कर चुका है, लेकिन इसका खास असर नहीं दिखा। अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पायलट को जगह मिलने से उनके लिए दो रास्ते खुल चुके हैं, पहला तो विधानसभा चुनाव का और दूसरा लोकसभा चुनाव का। पायलट पहले भी अजमेर से सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अगर विधानसभा चुनाव नहीं तो लोकसभा चुनाव उनके सामने बड़ा मौका है। परेशानी तो अशोक गहलोत के लिए है, अगर इस बार इतिहास नहीं बदला तो बीजेपी की सरकार बनना लगभग तय है। अब ऐसे में गहलोत के सामने कोई ऑप्शन नजर नहीं आता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।